ब्रिज के परम आराध्य पर्वत आदिबद्री व कनकाचल पर्वत की रक्षा के लिए ब्रिज पर्वत एवं पर्यावरण संरक्षण समिति अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री सानिध्य में उपखंड के गांव पसोपा से शुरू हुई क्रांति यात्रा डीग पहुंची, जहां कस्बे के पीतम दास मंदिर से साधु संत नगर भ्रमण करते हुए गोस्वामी सदन डीग पहुंची। वहां पर शहर वासियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। ब्रजवासियों द्वारा शपथ ली गई, हम सभी आपके साथ है, ब्रज की धरोहर को हम अपनी जान की बाजी लगा कर भी बचाएंगे। आदिबद्री कनकाचल पर्वत पर खनन को बंद कराया जाए, साथ ही उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपखंड अधिकारी हेमंत कुमार को ब्रिज के पर्वतों पर हो रहे अवैध खनन रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समिति अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री ने बताया कि नगर व पहाड़ी तहसील अंतर्गत आने वाले आदिबद्री व कनकाचल पर्वत, जिन्हें श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं बनाया था, उन पर्वतों पर भू माफिया विगत कई वर्षों से अवैध खनन कर खोखला कर रहे हैं, जिनकी रक्षा के लिए संत समाज व क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा 16 जनवरी 2021 से आंदोलन भी किया जा रहा है। वही समिति अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री के पूर्ण आश्वासन के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यह इस आंदोलन की आर पार की लड़ाई की है, इसके लिए अब मर मिटने को भी तैयार हैं। इस मौके पर शास्त्री ने कहा कि क्रांति यात्रा आदि बद्री धाम से प्रारंभ यात्रा पासोपा, गुहाना, परमद्रा, तिदावली, महामपुर, डीग क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क करते हुए 4 अगस्त को पुनः धरना स्थल गाँव पसोपा में सम्पन्न होगी, जहाँ 5 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गोस्वामी।